हरे कृष्ण वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ में पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिर्य तम हम प्रपद्य मुखम करोति वाचालम पंगुम नंगेते ते गिरीम यत्कृपा तम हम बंदे श्री गुरु दीन तारनम भगवान सकलपतरु कृपा सिंधु पति तनाम पावन वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्ण बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में हम कंटिन्यू करते हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन आज पंद्रहवें अध्याय से देखेंगे अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग पंद्रहवें अध्याय श्लोक संख्या एक से देखेंगे पुरुषोत्तम योग बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत ही गहरा अध्याय भागवत गीता का बहुत संदेश देते हैं भगवान इस अध्याय में केवल बीस श्लोक हैं इस अध्याय में लेकिन सारे श्लोक इतने सुंदर हैं इतना भगवान हृदय अपना बांट रहे हैं पूरा देखिए भौतिक जगत की एक परिभाषा क्या कई परिभाषा समझ सकते हैं हम एक भौतिक जगत की परिभाषा ऐसी है कैसी गोलमाल है भाई सब गोलमाल है सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है गोलमाल है भाई सब गोलमाल है वास्तव में भौतिक जगत में सब गोलमाल ही है <laughs> सब गोलमाल ही नजर आता है सोचो क्या होता है क्या नहीं सोचो क्या हो जाता है क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सब बोल मालिए भाई भौतिक जगत मतलब हम सब ना कैसे जलेबी की तरह सीधे हैं हम सभी जलेबी की तरह सीधे और यही यही जो हमारा सीधा है ना जलेबी की तरह सीधा यही सीधा पन्ना हमें भगवान से दूर रखे रखता है जो भगवत भक्ति में नहीं है वो अज्ञानता वश भगवान से दूर है और जो भगवत भक्ति में हो के भी भगवान से दूर है वो अज्ञान कपट के वश दूर है कपट अज्ञान तो थोड़ा उनका कम हुआ इत्यादि लेकिन अज्ञान भी समझो तो वो कट कपट रूपी अज्ञान है गोलमाल वाली बात ना थोड़ा इधर का उधर थोड़ा ये करना भगवान को ऐसी चीजें समझ में नहीं आते है कृष्ण इधर उधर थोड़ा सा फैब्रिकेशन, थोड़ा सा मैनिपुलेशन नो सरल है एकदम सरल है राधा कृष्ण एकदम सरल कुछ उनको छल का पट समझ में नहीं आता है छल क्या होता है पाप क्या होता है किसी का बुरा भला इत्यादि हाँ। तो भौतिक जगत में मतलब गोलमाल है वे सब गोलमाल है जैसे हमने गुणों का अध्याय पढ़ा ना पिछला प्रकृति के तीन गुण हाँ। अब कितना ही सतुगुंज में हो तो भी थोड़ा गोलमाल तो रह ही जाता है आटे में नमक जितना या थोड़ा रह जाता है तो यह भौतिक जगत की बात है गोलमाल है, है और आध्यात्मिक जगत एकदम सरल स्पष्ट कोई छल कपट की कोई बात नहीं अब आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी हो ना छल कपट भी हो ना तो वो दिव्य है दिव्यता की ओर है दिव्यता को लक्षित करके दिव्यता का दिव्यता के स्तर पे ही लक्ष्य भी नहीं करना लक्ष्य तो यहाँ किया जाता है दिव्यता के लिए वहां तो सहज बात है ना तो लक्ष्य की बात भी नहीं है सब दिव्यता के सोपान सोपान पे वहाँ पे, स्तर पे है झूठ सच हो छल कपट हो वो भी दिव्य ही है और दिव्य मतलब पूर्ण आनंद पूर्ण आनंद के स्तर पे तो भौतिक जगत की परिभाषा देखिए गोलमाल है भाई सब गोलमाल ही है वास्तव में क्या कंफ्यूजन है ना भौतिक जगत में कुछ नया बनाओ उसके साथ साइड इफेक्ट जुड़ा हुआ जुड़ा है हमें लगता है ये कर लूँ तो फिर जिंदगी आसान हो जाएगी थोड़ा सरल हो जाएगी है ना और खूब आनंद मिल जाएगा लेकिन भाई ये कर लेता हूँ इससे फिर कम मेहनत होगी वो कर लेता हूँ उससे कम मेहनत होगी ऐसा कुछ नहीं है कितना ही आविष्कार हम कर लें मेहनत खूब की खूब है और उसको संभालने में खूब है भाई सहज बात है ये भौतिक जगत सस्टेनेबल है ही नहीं कितना ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लेना ये ऐसी कोई सस्टेनेबल है ही नहीं भाई और उसका मतलब ये भी नहीं है कि फिर हम एकदम केयरलेस इनरेस्पॉन्सिबल हो के जी कहने का ऐसा ऐसा है कि हाँ हम केयर टेकर हैं उसका ध्यान रखें इस ब्रह्मांड का संसार का हमारा ध्यान जरूर रखें लेकिन ये आशा बद नहीं हो जाए कि चीज़ें सब ठीक हो जाएगी चीजें यहाँ कुछ ठीक नहीं होना कुछ भी ठीक नहीं होना तो ये आशा बंद ही समस्या है और इस आशा बंद से हम बंधे हुए हैं इसीलिए फिर सब बोल माला, है भाई सब बोल माला। है कितने हमारे वाय ऐसा क्यों ऐसा क्यों क्यों का समाधान नहीं है और जब तक भगवत भक्ति में नहीं जुड़ेंगे ना क्यों का कोई समाधान नहीं है भौतिक जगत में हम इतने सताए कई बार हो जाते हैं कि क्यों भी ना वो प्रश्न भी नहीं आते आए तो भी भाई ठीक है छोड़ो जो है जैसा है चलने दो एक दिन सभी को मरना है देखा जाएगा जो होगा कुछ नहीं होता है ये सब ऐसे बहाने या सब कमजोरियां आ जाती हैं तो हम आशा करें कि भाई हमारे जीवन में गोलमाल ना रहे हम जलेबी के जैसे भी सीधे ना बने और जो वास्तव में कृष्ण परायण हो भगवत शरणागत हो भगवान के शरणागत हो उसके जीवन में ऐसी गोल गोलमाल रहेगी नहीं भगवान हृदय में विराजमान उसको सारा ज्ञान विवेक सब कुछ देंगे सांतावना कॉन्फिडेंस कन्विक्शन क्लैरिटी सेटलमेंट पूर्ण रूप से तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हम इस गोलमाल भले संसार में नहीं फंसे इस संसार से नहीं बंधे भगवान जगन्नाथ है संसार नाथ नहीं है और हम जगन्नाथ से बंधे संसार से नहीं हम इस संसार में क्या कर रहे हैं अपना संसार बढ़ा रहे हैं ना? संसार बढ़ा रहे हैं भौतिक जगत में हमारा ठिकाना ही बढ़ा रहे हैं यहाँ परमानेंट ठिकाना है ही नहीं किसी का और कोई सुख नाम मात्र है नाम मात्र तो अब भगवत विद्या भगवत विद्या अर्जित करके भगवत भक्ति में जुड़ के हम विलास कुंज में वास करने की आशा विलासा रखें भगवान के साथ प्रेम में ही, ही, ही क्रीड़ाओं में हम भी एक रोल प्ले करें इसी आशा विलासा के साथ हम अपने भागवत गीता का अध्ययन बढ़ाते हैं अध्याय पंद्रह श्लोक संख्या एक से अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग अध्याय पंद्रह पुरुषोत्तम योग ऊर्धम द शाखा अश्वथना प्रहुर व्यय श्वत प्रहुर भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्त्रोत्र है जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है भक्ति की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है वेदों का क्या प्रयोजन है इस अध्याय में बताया गया है कि वेदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है अतएव जो कृष्ण भावना भावित है जो भक्ति में रथ है वह वेदों को पहले से जानता है अतएव जो कृष्ण भावना भावित है जो भक्त में रत है वह वेदों को पहले से जानता है इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति भी की कोई संभावना नहीं है वेदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर पड़ती है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित है यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम तेरव अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है इस संसार की जड़े ऊपर को बढ़ती है इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं इसके फल फल जीवों के कर्मों के फल के कर्मों अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के घोतक भी इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़े ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है किंतु बात कुछ ऐसी ही है ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है जिस प्रकार, प्रकार वृक्ष का जी प्रतिबिंब मतलब शैडो हाँ इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तक तीन गुण निकलते हैं और फिर पांच स्थूल तत्व पंच महाभूत फिर दस इंद्रिया दशेंद्रिया मन आदि इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत एक जगध, 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है अतः आध्यात्मिक जगत में इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा रंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तविक वास्तव में वेदों को जानता है जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वेदिक स्त्र है जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है हरी बोल हरी बोल गजब का वास्तव में अध्याय और बहुत कुछ निरूपण हो रहा है इस अध्याय में होगा भगवान जैसे कह रहे हैं कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष तो ये भौतिक जगत के बारे में बता रहे हैं कि भौतिक जगत का स्वभाव कैसा है क्या कैसा है भौतिक जगत तो वास्तव में भौतिक जगत ऐसा ही गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, है कि ना देखो अब ये थोड़ी अलंकारी रूप से भी अब एक अश्वत्थ वृक्ष है तो एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर अब संसार में हमारे पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस में नहीं है ना हम देखते हैं थोड़ी ना कि एक आ, कोई पेड़ हो जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे ना हम क्या देखते हैं जड़ नीचे और शाखाएं ऊपर और पेड़ सही से सीधा खड़ा है लेकिन ये जो वृक्ष है ये भौतिक जगत कैसा ये प्रतिबिंब है मतलब रिफ्लेक्शन उल्टा पुल्टा है ये आध्यात्मिक जगत का तो आध्यात्मिक जगत में तो पेड़ बराबर समझे खड़ा है जड़ों पे और वृक्ष ऊंचे हैं उसकी शाखाएं ऊपर है लेकिन वो ऐसा ही पेड़ हो और ये नदी किनारे हो नदी किनारे हो तो प्रतिबिंब से देख के क्या लगता है नदी में कि भाई ये तो देखो पेड़ कैसा अजीब का है इसकी जड़ें हैं ऊपर शाखाएं नीचे प्रतिबिंब से ऐसा लगता है ना वास्तव में है नहीं ऐसा प्रतिबिंब देख के लगता है तो ये भौतिक जगत भी ऐसा ही है प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का रेप्लिका है या शेडो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का तो यहाँ पे भी ए उस हिसाब से कि जड़े जो है वो ऊपर है और शाखाएं जो है नीचे अभी कोई भी हम इसको देखें पेड़ को देखें नदी किनारे ऐसा ही नजर आएगा ना नदी में अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई इसकी तो शाखाएं है जो है नीचे हैं और जड़ ऊपर है तो ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत के ओपोजिट एंड में बना है आध्यात्मिक जगत तो नहीं बनता भौतिक जगत जरूर बनता है और ये जो भौतिक जगत की ये जो परिभाषा या डिस्क्रिप्शन है ये काल से है। तो ऐसा नहीं कि है कि वो कोई फॉल्ट मिला हमें और उसको हम सॉर्ट आउट कर दें ऐसी बात नहीं है कि कोई फॉल्ट मिला हो दिखा हो हमें और हम उसको ठीक कर दें ना ना ये है ही जगत है देखिए इस जगत को नहीं ठीक करना है इस जगत को सुधारना या नहीं सुधारना कोई जगत तो जै है जैसा है वैसा ही रहेगा सुधारना स्वयं को ही है हमेशा ही जगत तो समस्या नहीं है ना अभी जैसे जगत तो भगवान की निर्देशिता में चलता है भगवान की सत्ता के बिना कुछ भी नहीं हिलता जगत ठीक है अब हम जगतवासी थोड़े से गड़बड़ हैं हमारे पास हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका हम मिस यूज कर रहे हैं अभी घर परिवार में भी देखिए किसी के पास हायर रेस्पॅॉन्सिबिलिटी हो और उसका मिसयूज करें तो चोट ही है ना तो हम वही मिस करके अब हमारे ये संसार जगत किसलिए देख रेख के लिए कि हम कैसे अपने मेटीरियल स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस में बना के आगे बढ़ते चले और आगे ऐसा बढ़े कि सब कुछ हमारे लिए मेटीरियल नहीं स्पिरिचुअल हो भगवत संबंधित हो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते चले लेकिन भौतिक जगत में सब गोलमाल है भौतिक जगत में हमें भगवान की ये प्रेरणा वो सब भुला देती है भगवान है कौन है और फिर ये सृष्टि की रचना क्यों हुई कैसा है ये जगत तो ऐसा ही है गोलमाल है भाई सब गोलमाल है जड़े ऊपर है शाखाए नीचे है और ऐसा ही स्वभाव है ना इस जगत का तो इसलिए सुखी कोई सुखी पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं रह सकता भौतिक जगत में स्वभाव ऐसा लेकिन एक एडवांटेज है हमारे पास एक बहुत सुनहरा अवसर है कि हम अपना स्वभाव बदल सकते हैं जो मनु जो मनुष्य ही कर सकते हैं पशुओं में ये क्षमता नहीं है भले ही पशु अपने स्वभाव के अंतर्गत ही रहते हैं सब कुछ ठीक से ही रहते हैं लेकिन फिर भी उनमें ये क्षमता नहीं है कि वो भगवत भजन में जुड़ सके हरिनाम की महिमा समझ सके हरिनाम में जा सके प्रसाद तो वो वो क्षमता नहीं है तो भौतिक जगत को हमें कुछ बदलना नहीं है भौतिक जगत तो ऐसा ही है स्वयं को बस सुधारना है बदलना मतलब सुधारना और ये शाश्वत है भौतिक जगत शाश्वत है जैसे काल शाश्वत है भौतिक जगत शाश्वत है मतलब प्रकृति ये शाश्वत है फिर जीवात्मा शाश्वत है और परमात्मा शाश्वत है तो ये चार शाश्वत हुए एक जो है जो शाश्वत नहीं है वो है कर्म अभी भौतिक जगत भी इसकी कोई रचना नहीं हुई है और ना ही कोई करने वाली बात है ये ठीक है सेट है अभी जब इसको वाइंड अप करना है भगवान ने ऑलरेडी भगवान की शक्ति ने डायरेक्शन दे दी है जब वाइंड अप करना है सही टाइम पे वाइंड अप कर देंगे और जितना टाइम तक चलना हो, उतने टाइम तक ही चलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये हाँ, जगत भी सत्य है शाश्वत है और भगवान भी सत्य है शाश्वत है भगवान के हम अंश हैं हम भी सत्य है, शाश्वत है हमारा और काल समय भी सत्य शाश्वत है एक ही चीज है मात्र जो शाश्वत नहीं है वो क्या है कर्म कर्म बदले जा सकते हैं हम इस संसार में रह के मनुष्य योनि में रह के इस हिसाब से जी सकते हैं कि हम कुछ हम काम कर रहे हैं लेकिन कर्म दोष नहीं लग रहा है ना ही कर्म फल लग रहा है ना ही कुछ अच्छा मिल रहा है उस काम का ना ही कुछ बुरा मिल रहा है तब फिर भगवान के साथ हमारा संबंध तीव्र गति से हो जाएगा जब हम संसार में ऐसा डील करने लग जाएं कि हम ना कोई न्यू कर्मा बना रहे हैं, ना कोई प्रीवियस कर्मा को बर्न ऑफ कर रहे हैं सो फॉर दैट हमें भगवत प्रेम को चखना ही पड़ेगा मिनिमम उपाय ये कि भगवत प्रेम का क्या संदेश है और उसको हम चखें ही चखें ना चके कोई समाधान नहीं है तो ये भगवान यहाँ पे ऐसा हमें थोड़ा सा समझा रहे हैं कि कैसा ये वृक्ष है हुँ? और इसकी कैसी क्या वर्किंग्स है बहुत जरूरी है ना समझना नहीं समझेंगे भौतिक जगत कैसे तो उलझे ही रहेंगे और यही उलझन है माया मतलब क्या कि जो नहीं है अब संसार में ऐसी क्या चीज है जो नहीं है माया की परिभाषा बताते हैं ना दैट विच इज विच इज नॉट तो संसार में ऐसी क्या चीज है जो नहीं है अगर मैं कुछ कह रहा हूँ सोच रहा हूँ समझ रहा हूँ तो वो एग्जिस्ट करती है है ही है कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं है कि है नहीं बस ये शॉर्ट लिव्ड है इसलिए हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमें इटर्नल बींग्स और हम कुछ भी शॉर्ट लिव देखें और खास करके पता नहीं वो शॉर्ट लिव सुख के रूप में आए सुख में परिवर्तित हो या दुख में लेकिन समाधान नहीं है उसमें तो पूर्ण समाधान पाने के लिए ये संसार के को समझना ही होगा तो भगवान जैसे प्रभुपाद तात्पर्य थोड़ा सा कहानी के रूप में देखते हैं देखे एक बार एक राजा होते हैं राजा होते हैं बढ़िया राजा सज्जन राजा प्रजा भी सुखी है सारी चीजें बढ़िया चल रही है राजा जी की पत्नी होती है पत्नी होती है हम्म पत्नी श्रृंग ये स्नान करने जाती है समझिए तो वो क्या अपना श्रृंगार स्नान करके आके श्रृंगार और पहनूंगी अपने आप को तैयार करूंगी अब इतने में क्या होता है राजमहल में एक पक्षी समझे कौवा समझिए समह और अदर खिड़की से घुसता है और वो श्रृंगार चुरा ले जाता है एक समझे कौआ आता है और हीरे गहने लक्ष्मी जो कुछ हो वो लेके चला जाता है एक पक्षी को जाके अब वो गहना गहना वो पक्षी लेके चला गया महारानी का गहना है महारानी स्नान करने समझो कर गई है और उसको उठा के ले अब वो क्या करता है पक्षी उस गहने को लेके गया ना और हार को और उड़ते उड़ते फिर इधर गिरा देता है क्या बोलते हैं एक समझो आम के पेड़ में आम के पेड़ में एक शाखा में लटका देता आम का पेड़ कहाँ पे है आ, नदी के किनारे में अब राजमहल में तो बात तो चल गई कि रानी साहिबा का हार घूम गया राजा जी को पता चलती है खबर पहुंच जाती है अब राजा जी क्या करे भाई रानी साहिबा का हार खो गया तो एक संदेश भिजवा दिया पूरा राज्य में ना? चौकन्ना अलर्ट इमरजेंसी और सब सिपाहियों सबको लग जाओ और सिटीजन्स भी क्या हार को ढूंढने में और जिस किसी को मिले इनाम दूंगा तो इनाम दे के बोल देते हैं भाई अब हार ढूंढने में अब सब लग जाते हैं राजा के जितने महल में रहते हैं कुछ वो भी लग जाते हैं बाहर के लोग भी सब लगते हैं ढूंढने ढूंढने कहाँ करें कहाँ क्या किसी को नहीं मिल रहा सब क्या बोल रहे हैं गोलमाल है भाई सब गोलमाल है पता नहीं कहाँ गया कब कैसे चला गया सब गोलमाल अनुभव कर रहे हैं तो राजा बोलते हैं भाई विचित्र किसी को मिल नहीं रहा क्या बात हुई इतने में एक साधु जी गांव में पधारते हैं भ्रमण कर रहे होते हैं तो साधु जी के दर्शन होते हैं साधु जी से वो प्रार्थना करते हैं कि भाई साधु जी आप भगवान के भेजे हुए हो इस टाइम में आए हो और आपके पास समाधान है तो समाधान बताइए कि कहाँ पे वो हार हमारा छुपा है जो हम उसको निकाल सकें किसने चोरी किया है हार का है उसको हम निकाल के फिर अपने घर जा सके राजा को भेंट कर सके या राजा बोले कि भाई मैं घर जा सकू तो साधु कहता है ठीक है जो आपका हार है वो नदी किनारे में है नदी के वहां जाइए आपको कुछ ना कुछ संकेत या वहां पे आप देखिए मिल जाएगा अब है भाई सब गोलमाल है ना अब सभी प्रजा और को सूचना मिली सैनिकों को चले गए नदी किनारे अब उनको कुछ दिख नहीं रहा वैसे फिर अचानक किसी के एक नजर गई कि ये रहा भाई नदी में उनको दिख रहा है हार ये पड़ा हार नदी में लगाओ डुबकी ले लो एक व्यक्ति ने डुबकी लगाई थोड़ी देर रुका कुछ हाथ नहीं आया दूसरे ने लगाई थोड़ी देर रुका कुछ हाथ नहीं आया पांच सात व्यक्तियों ने ऐसे डुबकी लगाई किसी को कुछ हाथ नहीं आ रहा है अब आए भी कैसे ना क्योंकि हार जो है वास्तव में नदी में नहीं उसकी प्रतिबिंब दिख रही है नदी में रिफ्लेक्शन हार तो पेड़ पे रखा हुआ है हार जो है पेड़ में है लेकिन उसका रिफ्लेक्शन नदी में दिख रहा है ऐसे करके तो अब लोग उस रिफ्लेक्शन को ही देख के डुबकी लगा रहे हैं नदी में हार मिल जाएगा हार मिल जाएगा और इतना परिश्रम कर रहे हैं कि थोड़ा नीचे जाऊं थोड़ा लेफ्ट राइट इत्यादि हार मिल जाए लेकिन कैसे मिले हार तो टंगा हुआ है ऊपर वृक्ष की शाखा में और ऐसे ही बाकी बाकी सज्जन लोग भी नाना प्रकार के प्रयास करने लगे कि हार निकालने के लिए राजा जी खुश हो जाएंगे रानी खुश होगी लक्ष्मी मिलेगा हमें और हार मिल जाए तो बात बन नहीं रही है ऐसे इतना प्रयास कर रहे हैं तीव्रता से इतनी इतनी प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टॉल और भी लगा दिया बुक फेयर स्टॉल ये सब खेलने कूदने का कि चलो मनोरंजन भी हो जाएगा और थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए ना मनोरंजन नहीं होगा तो रूखा सूखा कैसे जी पाएंगे तो एक थोड़ी सी एक मनोरंजन हो जाए बढ़िया लगेगा आनंद आएगा तो इस मनोरंजन के लिए क्या नदी के बाहर ही बहुत सारे स्टॉल लगा दिए और क्या हाउ टू गेट हार हाउ टू गेट हार ऐसे करके बहुत कैंपेनिंग बहुत स्टॉल्स नाना प्रकार के और बुक्स बेच रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं तो अब सारा गाजा बाजा सेट हो गया सब कुछ लेकिन भाई हार नहीं अब हाथ आ रहा है तो वही साधु जी फिर आए उसी मार्ग में अब गांव वाले सब पूछ रहे हैं कि साधु जी आपने इतने करीब ले आए हो समझा दिया अब ये हार हाथ में क्यों नहीं आ रहा है कृपा करके बताइए तो बताओ हाथ पता तो है ही वैसे हमें हाथ में क्यों नहीं आ रहा हार क्योंकि लोग डुबकी लगा रहे नदी में प्रतिबिंब में अब प्रतिबिंब में हार है ही नहीं कैसे आ जाएगा कितना ही आप डुबकी लगा लो नहीं आ पाएगा हार का है शाखाओं में ऊपर टंगा हुआ तो साधु महात्मा के लिए क्या दिक्कत साधु ने बोला कि भाई आप जो ये कार्य कर रहे हो ये तो बड़ा फंसाने वाला है क्यों अपने आप को ऐसे कार्य में एंटेंगल कर रहे हो एंटेंगलिंग बोलते हैं ना अंग्रेजी में जहाँ खास करके भक्त समुदाय में एंटेंगलिंग मतलब एक प्रकार का झमेला ना क्यों पाले एक प्रकार का झमेला तो साधु खैर साधु से तो कुछ छुपा नहीं है साधु को पता है तो साधु ने बोला कि देखो आप गलत जगह डुबकी लगा रहे हो हार जो है वो वृक्ष की शाखा में देखो ऊपर देखो वहां पे है आप डुबकी लगाए जा रहे हो अब इसमें ऐसा ही ऐसा ही संसार चलता है ना अब व्यक्ति यह डुबकी लगा रहा है हार ढूंढने में इतना एफर्ट कर रहा है इतना एफर्ट कर रहा है और बाकी लोग क्या कर रहे होंगे कि चलो अभी स्टॉल खोल देते हैं रिवर के यहाँ पे और ऐसे लोग देखेंगे और फिर ऐसे बिल्डअप होगा और थोड़ा सा सोशल इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे तो ऐसे कितनी कैंपेनिंग चलते रहती है खूब कैंपेनिंग चल रही है नदी के वहां और हार किसी को हाथ नहीं आ रहा है दिख सभी को रहा है क्यों क्योंकि हर हाथ आने वाला ही नहीं है कैसे आएगा भाई प्रतिबिंब है उसका असल हार तो ऊपर है लेकिन लोग इतने व्यस्त हैं कि प्रतिबिंब में सेम हमारे हाल से गोलमाल माल है भाई सब गोल है और हम कुछ कुछ बातों को लेके बस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अभी जैसे यूक्रेन रशिया वार को लेके चल रहे ना डिस्ट्रैक्शन और इससे पहले कोविड नाइन्टीन उससे पहले कुछ ब्लैक लाइफ मैटर ये वो इसके बाद भी कुछ रहेगा डिस्ट्रैक्शन तो वैदिक सभ्यता हमें यही शिक्षा देती है कि भाई इस भौतिक जगत में इतना हम आसक्त ना, ना हो इतनी ड्यूटी बाउंड ना रहें इतनी अटैच ना हो। इट कैरी इट कैरी ऑन केवल हमारे लिए हम बस इतना स्मरण में रखें कि इस भौतिक जगत से बाहर निकलना कैसा कैसे हम बिना आसक्त हुए इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकें तो ये वृक्ष की बात प्रतिबिंब है प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन भौतिक जगत इज रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड रिफ्लेक्शन होते हुए भी परमानेंट है और परफेक्ट uh, इन है परफेक्ट इन द सेंस कि यहाँ पे अवसर है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध करके और इस इस धरातल से इस भौतिक जगत से वंस फॉर ऑल हम बाहर निकल सकते हैं भगवान के साक्षात दर्शन पा सकते हैं और भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं वो काम ऐसी बात नहीं है कि वो और हम कैसे पढ़ाई लिखाई मंदिर में होकर नहीं कर सकते क्या कर सकते हैं भाव की बात है भाव की बात है तो ये वृक्ष ऐसा ही है शाखाएं जो है वो नीचे और जड़ें ऊपर है रे बहुत विचित्र है ना तो हम भी ऐसे विचित्र प्राणी है और इन्हीं घटनाओं में हम बस भ्रमण करे जा रहे हैं अब लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ना है अब ऐसा नहीं अब और हमें आगे की ओर जाना है वास्तव में अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करना है भगवान की ओर के लिए तो ना हो संसार मतलब पूर्ण रूप से हम हो जाते हैं और कैसे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो तो साधु संघ से जैसे इसी उदाहरण में ना साधु महात्मा का संग करे तो पता है कहाँ पे यार वृक्ष पे है साधु महात्मा के संग के भाव में हम इधर उधर कितनी जगह प्रयास करते हैं वो हार ढूंढने का भक्त संगी भक्ति का प्राण है, भक है भक्ति की मूल है भक्ति आत्मा एक प्रकार प्रकार से हम समझे भक्त साधु संगी है तो ये भौतिक जगत को तो इतना समझने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए उलझ ही जाएंगे कुछ निकलेगा नहीं लेकिन फिर भी बैर मिनिमम समझना चाहिए तो ये बैर मिनिमम ही है इतना समझें और अपने आप को फिर आसक्ति और से हम बचाएं अटैचमेंट से हम बचाएं इतने डिजायर्स टेम्पटेशन वाला ही है ना ये पूरा मटेरियल एनवायरनमेंट खूब डिजायर्स डिजायस का और हम कौन है जीव यही है उस भौतिक पेड़ में जगत के पेड़ में एक शाखा से दूसरी शाखा का भ्रमण कर रहे हैं हैवी इंजर्नी और जो भी इस जीवन में एक्यूमिलेट किया और साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी ना असिद्धांतिक भी एक्यूमलेट किया अगले जीवन में तैयार है तो हम तो शाखाएं बदलते जा रहे हैं खूब से खूब खूब जंपिंग हॉपिंग कैचिंग रनिंग कर रहे हैं लेकिन अब ठहराव लाए जीवन में अब ठहराव जाए और आगे बढ़ें भगवान की ओर बढ़ें आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़े ये तो लौकिक जगत है लौकिक जीवन है इसी में हम कितना इनाम और हो जाते हैं ना कई बार कितना हम शराब और पाते हैं अपने आप को इसी भौतिक जगत में जहाँ खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं हो और भी चीज़ें ठीक नहीं हो लेकिन हम समाधान में रहते हैं समाधान में रहना अच्छी बात है लेकिन ऐसा समाधान ना बहुत घातक है बहुत घातक है तो ये संसार की ऐसी रचना है संसार की ऐसी ही रचना है और इस रचना में संसार के लोग हम ऐसे ही उलझे पड़े एकदम से अपने आप को उलझा रहे हैं अपने आप को लगता है आपात दृष्टि से हम मोटिवेट कर रहे हैं लेकिन हम अपने आप को भगवान की ओर नहीं भगवान के पीछे ही लेके जा रहे हैं वास्तव में। ठीक है कोई प्रश्न जिज्ञासा या आप लोग कुछ कहना चाहो एक और देखते हैं फिर थोड़ा और प्रयास करेंगे अगर हम समझ सके हैं अतः्रोष्व प्रसृत प्रसिता से शाखा गुण विषय विषय प्रवाला अद्वस्त मूल्यांता कर्माबंदी मनुष्यलोकेश्री okay, पढ़ नो आतात्पर्य हरे कृष्ण प्रभु जी मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है यस yes, अभी दिख रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है इसकी टहनिया इंद्रिय विषय हैं इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है तात्पर्य अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनिया हैं तथा मनुष्य पशु घोड़े गाय कुत्ते बिल्लियां आदि ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनिया हैं, यथा देव गंधर्व तथा अन्य बहुत ही उच्चतर योनिया जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलहाता है इसी प्रकार जहां प्रकृति के किन्हीं विशेष विशेष गुणों का आनुपातिक अधिक्य होता है वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है वृक्ष की टहनिया इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं शाखाओं के सिरे इंद्रिया है यथा कान नाक आंख आदि जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त हैं हनिया शब्द रूप स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़े राग तथा द्वेष है जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली है वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है किंतु अन्य जड़े मर्त्य लोक में है जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है अनुवाद इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं। और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये कितना सुंदर विश्लेषण दे रहे हैं ना भगवान इस वृक्ष के बारे में भौतिक जगत का कितना सुंदर विश्लेषण दे रहे हैं। फिर से देखें पेड़ में क्या ना जड़ हुए शाखाएं हुई हम्म अब ये कैसा गोलमाल है गोल भाई सब गोलमाल है पूरा उल्टा है ये आ, तो फिर से वही कि नदी किनारे ये वृक्ष है हुँ। हुँ। और हार कहाँ पे हार ऊपर वृक्ष में एक शाखा में समझो टंगा है लेकिन दिखता क्या है प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन उसके दिख के लगता है कि भाई हार तो जलाशय में उस नदी में और लोग सब उस नदी में डुबकी लगाते हैं कि भाई हार पकड़ लो हार मिल जाए हार मिल जाए ऐसा ही हमारा हाल है हमें लगता सुख तो, तो इसमें भौतिक जगत में उसी जल में हम डुबकी लगा के भौतिक जगत के जल में डुबकी लगा के बस अपने आप को लाभान्वित या सुखी मानते हैं और उसी में रही सही कसर बताऊ संसार में लोग मीडिया इत्यादि सब कुछ हम ही है एक दूसरे के हम शत्रु हैं मित्र नहीं है वास्तव में हम एक दूसरे के शत्रु ही हैं हम ही एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि अरे नहीं भाई थोड़ा डीप जा थोड़ा गहरा जाओ मिल जाएगा यहाँ पे सुख आम आम देखो ना कई बार होता है ना नदी किनारे आम है रिफ्लेक्शन से दिख रहा है कि नदी के किनारे वास्तव में आम का है पेड़ में टंगा हुआ है, है? लेकिन क्या है नदी किनारे लगते है देखो नदी में आम है अब उस आम की खोज में लगाओ डुबकी खजाने की खोज में अब लोग खूब डुबकी लगा रहे हैं और फिर बाहर पूरा खेमा बैठ गया स्टॉल्स वॉल लगा के कि मेक सम वर्क हार्ट मिल जाएगा यहाँ पे सुख यहाँ पे सुख है थोड़ा बहुत सुख है हुँ? लेकिन नाम मात्र है बट कितना उसमें हमारा एब्जॉर्बशन हो जाता है कितनी हम उसमें एंग्रोस्ड हो जाते हैं बहुत हैवीली एब्जॉर्ब बहुत हैवीली एंग्रोस्ड हो जाते हैं दैट इज़ मटीरियल वर्ल्ड और फिर हमें कन्फ्यूजन में मारे मारे भटके भटके हम फिरे रहते हैं इतना समाधान नहीं है भौतिक जगत में समाधान कहा समझौते में ही है भौतिक जगत में समाधान यहाँ पे समझौता ऐसा कौन सा समाधान है जो पूर्ण रूप से हमारे लिए समाधान है समाधान मतलब सोल्यूशन सेटलमेंट में ही हमारा सोल्यूशन है भौतिक जगत में समझौते में एडजस्टमेंट है ना और क्या करें मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ जल जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी तो इस जगत में इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता तो बोलते ना क्या बेस्ट बार्गेन समथिंग है ना तो ऐसा ही है जो बेस्ट बार्गेन हम कर सके बस कर लें इस भौतिक जगत में और कोई और कुछ है नहीं तो इतना अटैच होके नहीं रहे हम अब वर्किंग्स पता चल गई ना हमें कि भाई यहाँ सुख है, है भी तो बहुत क्षणिक है बहुत आगंतुक है हा? और कितना परिश्रम है भौतिक जगत मतलब प वर्ग प वर्ग प मतलब प फ प वर्ग ना प प फ क्या परिश्रम खूब परिश्रम पर करना पड़ता है इस जगत में जैसे तात्पर्य में बताया ना आखिरी में कि कर्म भूमि ऐसे तो इसमें खूब परिश्रम करना पड़ता है नाना प्रकार के डिजायर्स हैं जो जड़े हैं वो क्या इतनी है इतनी डिजायर्स इच्छाएं इतनी फैली हुई फिर शाखाएं उनको पोषण देती है और पूरा एक्सपांशन है सो मेनी मटेरियल डिजायर्स उसके एक्सपान्शन और उसी से ये पूरा जगत ऐसा बना हुआ है, ये हमारी इच्छाएं ना भौतिक इच्छाएं हमारे बंधन का कारण है और वही इच्छाएं को भगवत इच्छा से हम जोड़े तो वही हमारी मुक्ति का भी कारण बनेगा अर्जुन का देखे ना स्पष्ट बात है ना युद्ध नहीं करना चाहते थे इच्छा नहीं थी ना करने की स्वयं की इच्छा ही नहीं थी अब उस इच्छा से बंध गए थे स्वयं की बद इच्छा से तुम बंधन का कारण बंधन में थे पूरा लेकिन क्या किया भगवान को समर्पित किया अपने आप को शिष्य से शादी हम माम तो हम प्रपन्न भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया अपने आप को समर्पित किया तो अब भगवान ने क्या उनकी इच्छा को परिवर्तित कर दिया बोले युद्ध करो यही भगवान ने कहा यही मेरी इच्छा तुम युद्ध करो तो अर्जुन समझ गए भगवत इच्छा को अंतर्गत फिर आ गए अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के अंतर्गत ले आए है ना अपनी इच्छा को भगवान की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है ऐसा अर्जुन ने अनुमोदन किया और करके युद्ध किया तो फिर मुक्त हो गए कोई बंधन नहीं रहा मुक्त हो गए तो हमारे लिए भी है भौतिक बद इच्छा ही हमारे बंधन का कारण है और साधु संग में साधु संग में ही इस इच्छा का शुद्धिकरण हो सकता है और भगवत इच्छा को समझा जा सकता है और अपने आप को भगवत इच्छा के अंतर्गत लाके फिर ऊंचे लोगों ने मुक्ति पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक सेवा आध्यात्मिक जगत में न, आ, ये डिवाइन कपल है ना युगल सरकार उनकी दर्शन उनकी सेवा उनका संग सानिध्य पाया जा सकता है तो भौतिक जगत मतलब भटकाओ भटक, भटकाओ लोग मोटिवेट के नाम पे हमें उल्टी राह में चढ़ा देते हैं। ऐसे हम कितनी उल्टी राह में चली रहे कितना कंडीशनिंग और लेके हम बैठे हैं, और ऊपर से बंधन मतलब यही ना आशा से बंध जाना हम बंधे पड़े ना आशा से इस संसार में सुख है हो जाऊंगा और सुखी हो जाऊँगा थोड़ा और थोड़ा और वही कारण है उस आशा से बंद जाना यह बहुत दुख का बड़ा कारण है इस भौतिक जगत में जो भी थोड़ा सा सुख 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 है है चपल है ना, चपल ना उसी में हम इतना हेविली अटैच या हम सारी अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें कर देते हैं तो उस आशा से बंद होकर हमें मात्र सुख मिलता है दुख कितना ज्यादा मिलता है जैसे पहले था ना भारत में ए, सजा होती थी जेल में तो ऐसी सजा देते थे ना मुझ, जो मुजरिम है उसका गला पकड़ के गर्दन पकड़ के उसको पानी में खूब डुबा के रखते थे इतनी तरह से कि वो मर नहीं जाए जाए लेकिन अधमरा हो एकदम।, एकदम बेबस लाचार तो जब वो एकदम अपनी हाइट्स में आ जाए कि अब और, और सहा नहीं जाएगा ये पानी मेरा दम घुट रहा है सांस नहीं आ रही है प्राण त्यागने ता, की एकदम कगार पे हो तो उसको रिलीज कर देते हैं हम्म फिर उसकी गर्दन से उसको पानी से बाहर निकाल देते हैं अब सांस ले लो कितनी देर मिनट एक मिनट एक भी नहीं और फिर फिर से पानी में डूबाए तो भौतिक जगत ऐसा ही है हम इतने डूबे पड़े हैं भयंकर डूबे पड़े हैं। और थोड़ी सी राहत मिलती है फिर फिर डूब जाते हैं कितना सुख है कुछ भी किसी भी प्रकार का सुख है। इस संसार में आकर्षण क्या यौन वृत्ति का आकर्षण सबसे प्रबल आकर्षण स्त्री पुरुष का परस्पर शारीरिक स्तर पर आकर्षण वो यौन वृत्ति का आकर्षण इतना प्रबल तो संसार में कोई भी सुख देखे आप आप में अवधि में क्वालिटी में कैसा सुख है लो, लो नेचर का लो लेवल का ही तो संसार प परिश्रम कुछ भी करने के लिए बहुत परिश्रम फिर पप, प फ फेन निकल जाता है जैसे घोड़ा है ना इतना काम करता है कई पशु इतने काम करते हैं उनके मुंह से झाग निकलने लगता है और कभी हमारा भी होता है ना इतना काम करके पसीने छूट जाए कमर टूट जाए तो वो परिश्रम खूब फ से फेन निकल जाए प फ मतलब बेकार में व्यर्थ कोई काम का नहीं है ऐसा परिश्रम खोदा पहाड़ निकली चुहिया भौतिक जगत मतलब खोदा पहाड़ निकली क्या चुई जाए तो कोई काम का नहीं है सब परेशान प फ भ बेकार का भ हमेशा भय बना रहता है इस जगत में हमेशा भय बना रहता है चाहे कोई करोड़पति हो प्राइम मिनिस्टर हो कोई भी हो इन्सिक्योरिटी है ही सभी एंजाइटी में रहता है कुछ नहीं हो तो भय कि या कुछ है नहीं क्या होगा कुछ है नहीं क्या होगा अभी धन इकट्ठा हो जाए थोड़ा सा कांटेक्ट इत्यादि हो जाए तो भय धन चलाना जाए धन चलाना जाए नाम खराब ना हो कॉन्टेक्ट लूज ना हो, ना तो भय कांस्टेंट बना रहता है कलमिनेट होता है कहाँ पे इन सब की मिलन होती है मृत्यु भौतिक जगत मृत्यु की ओर ही लेके जाता है हाँ। तो मृत्यु की ओर ही तो ये ऐसा जगत है और आध्यात्मिक जगत अप अप अपवर्ग है ना जैसे कल पर सोम कर रहे थे क्या सता प्रसंगदी कर्ण कथा नु अपवर्ग वर्तमानी है ना अपवर्ग अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धारतिर् भक्तिर अनुक्रमीष्य भागवतम का कथन हम देखते हैं तीसरे अध्याय तीसरा स्कंद पच्चीसवा अध्याय पच्चीसवा श्लोक भक्ति की महिमा मेरे ख्याल से अध्याय का नाम और कपिल देव भगवान के अवतार देवोती माता को कहती है सताम प्रसंग मम वीर संविदो भक्त लोग भगवान की वीरवती का कथा का श्रवण करके भवंती रित करना रसायन कथा है ना अपने कानों से श्रवण करके हृदय में ऐसा रस अनुभव करते हैं। भवंती रित करने रसायन का था तोशनाशु अपवर्ग मर्त मनी इतने फिर ऐसा रस अनुभव करते हैं कि शीघ्रता से ये जो पवर्ग है उससे छूट के अपवर्ग में आ जाते हैं और श्रद्धा रति श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम इसके तो इसी क्रम में श्रद्धा उत्पन्न होती है वो श्रद्धा रति की ओर जाती है आसक्ति और आसक्ति शुद्ध भक्ति की ओर फिर लेके जाती है तो साधु संगी ही उपाय है एकमात्र इस संसार में बंधन से छूटने का भक्ति का प्राण साधु संगी है। भक्ति मतलब साधु संग। भक्तों के संग में नाम जप करना भक्तों की सेवा करना भक्तों के संग में भगवान की सेवा करना भगवान का नाम जप करना एक प्रश्न ऐसा बन सकता है ना आप माला क्यों जपते हो तो कई इसके उदाहरण माला क्यों जपते कोई सरल कुछ आप अगर बताना चाहो अगर ऐसा प्रश्न कोई पूछे हमसे कि जपा क्यों करते हो आप तो क्या बोले हम या व्यक्तिगत रूप से मैं जपा क्यों करता हूँ अगर कुछ कहना चाहें वाई डू वी चाइट पूछ सकते हैं ना हमसे कोई दिनचर्या में आप क्यों नाम जप करते हो रोज क्या कहें वाई डू आई चाइल्ड कई स्तर ना सुख सुखी होगा पीस ऑफ माइंड मिलेगा जब है पीस ऑफ माइंड मिलता है सुख आता है ज्ञान आता है भगवान से कनेक्ट होते हैं सारे ही सही बात है ठीक है कई ऐसे एक बहुत उच्च कोटि का कि भाई आप जपा क्यों करते हो क्योंकि भक्त लोग ने बोला है जपने के लिए तो हम जपा करते हैं बिकॉज माई ऑथोरिटीज वुड बी प्लीज माई ऑथोरिटीज वॉन्ट मी टू डू जपा तो जब हम भक्तों की प्रसन्नता के लिए जप करें यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए तो भगवान और ज्यादा जल्दी प्रसन्न होगा प्रसन्न होंगे हमसे आ? और ये कष्टों से निवारण ये तो गौन फल है ये तो हो ही जाएगा अपने आप मुख्य क्या है कृष्ण प्रेम तो भगवान देखेंगे ना कि भाई मेरे भक्त ने कुछ बोला और इसने अनुमोदन किया उसका जपा कोई लिए बोला जो भी बोला अब मेरे भक्तों के से श्रवण किया भक्तों ने बोला इसको तो अब ये जपता है तो भगवान इससे और प्रसन्न होंगे ये मेरे भक्तों को कितना मानता है तो ये बात भी ठीक है जपा क्यों करते हो भगवान प्रसन्न होंगे चैन भी हैप्पी सुख आएगा या भगवान प्रसन्न होंगे लेकिन भगवान और प्रसन्न होंगे अगर हम भगवान को कहें कि भगवान आपके भक्तों ने बोला तो हम उनका कितना मान सम्मान करते हैं इसलिए हम जपते हैं हुँ? बहुत प्रसन्न होंगे भगवान ऐसे भाव से कि भक्तों ने बोला और ये भक्तों के अनुसार ये फिर जपा करता है करना चाहता है ठीक है कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें आप लोग तो जगत ही ऐसा इस जगत में कोई समाधान बोल के नहीं है कितना ही हम समझ लें कुछ समझ में नहीं आना तो जितना जान के जहाँ छोड़ दिया जाए उतना ही बढ़िया है तो इस संसार में रहना हो तो ऐसा ही टच एंड गो के हिसाब से कहीं पे बंद नहीं जाए हम अपने आप को टच एंड के हिसाब से तो उतना ही हम अपने आप को फिर फ्री पाएंगे सही से पाएंगे अदरवाइज तो खींचने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास कितना कुछ है इस संसार में हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन इस अध्ययन से अब अब देखिए ऊर्जा तो है में शक्ति तो है ऊर्जा तो जरूर है अब उस ऊर्जा को लगाए कहाँ तो उस ऊर्जा को ऐसा ही भौतिक जगत में जस्ट बेर मिनिमम जितना चाहिए उतना करके बस बाकी ऊर्जा कहाँ लगाए भगवत प्रेम प्राप्ति भगवत सेवा साधु संग भक्तों का संग यहाँ पे हम अपने आप को पूर्ण रूप से लगा के रखें भक्तों के संकिस प्रिय ही रहे और उसमें हम अनुभव भी करेंगे वैसा सुख दिव्य कोटि का सुख पूरा का पूरा तो ये भगवान हमें बता रहे हैं कि ये जगत कैसा है वृक्ष और कितनी देखे नाना प्रकार की इच्छाएं कौन सी ऐसी है जिस जिससे तृप्त हो गए हो एक इच्छा कुछ पूरी हुई नहीं की और चार इच्छाएं खड़ी हो जाती है और कितना परिश्रम है ना इन इच्छाओं को पूर्ण करने में कितना परिश्रम है इसीलिए हमारे आचार्य बताते हैं साधु संग अति अनिवार्य है गुरु पादाश्रय अति अनिवार्य गुरु पादाश्रय में एक ही शॉट में सारी इच्छाओं का समाधान हो जाएगा ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा श्री गुरु चरण रति ऐ से उत्तम गति आर न कोरियो मन आशा कि भगवान में हमारी रति हो गई गुरुदेव में हमारी रति हो गई श्री गुरु चरण रति गुरुदेव के श्री चरणों में रति हो गई तो यही सबसे उत्तम गति है और इस प्रसाद से इस कृपा प्रसाद से क्या होगा सारी आशाएं हमारी तृप्त हो जाएंगी कहने का मतलब कि भौतिक जगत में हमें पूर्ण समाधान हो जाएगा फिर ऐसी कोई हमारी मटेरियल डिजायर रहेगी नहीं कि भाई ये बाकी है वो समझे एक रूप से कि, कि किसी को भाई लंदन घूमने का हो गाड़ी खरीदने का हो घर खरीदने का हो ये तीन इच्छाएं अब लेकिन गुरुदेव के पादाश्रय होके भक्तों के संग में आके भक्ति करके ऐसा नहीं है कि वो तीन इच्छाएं नहीं रही इन द सेंस कि वो तीन तो है लेकिन अब वो कोई आवश्यकता ही नहीं रही उन इच्छाओं को पूर्ण करने की हो गया मैं तृप्त हो गया ऐसा नहीं है कि लंदन घूमा है नहीं घूम के आया भाई गाड़ी हो गई नहीं हुई मकान हो गया नहीं हुआ तो इच्छा तो रह गई अरे भाई वो इच्छा ही खत्म हो गई मेरी अब मैं तृप्त हो गया उस इच्छा से तो भौतिक जगत ऐसा ही है किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है यहाँ पे और नहीं हो सकती नहीं होती है और भगवान को पाना ये पाया जा सकता है हा? भगवान के साथ हमारी इच्छा पूर्ण रूप से हो सकती है तो उसी में वहीं पे हम फिर और से और प्रयास करें ठीक है कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें जरूरी है ना इस संसार का क्या भाव है क्या आकलन है क्या वर्किंग्स है उसको समझें तो हम अपनी जीवन को दिशा दे सकते हैं और जीवन को सही से दिशा देंगे तो जीवन की दशा भी बदल जाएगी तभी जीवन की दशा बदलेगी अगर हम सही से दिशा दे पाएंगे तो अब ऊर्जा तो है इसको भगवान की ओर लेके जाना है ठीक है एक एक और श्लोका देखते हैं कितना चर्चा कर पाएंगे पता नहीं लेकिन एक और देखते हैं और मंदिर में गौरा आरती हो रहा है अगर थोड़ा सा कीर्तन का लग रहा हो तो बताइएगा हाँ सो so, तीन और चार नंबर संख्या पढ़ते हैं

निवर्त भूय तमें चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यवृत्ति प्रसीता पुराने हर्षा पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य आप दोनों मिलके पढ़िएगा एक एक फर्स्ट पैराग्राफ हर्षा पढ़िएगा ऐसे अनुवाद पढ़ पाओगे ठीक है राजसी आप पढ़िए अनुवाद और फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए तात्पर्य का जी हरे कृष्ण इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है अंत कहाँ है और अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से, से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है तात्पर्य अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है अतः तो वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है और ना वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं पिता का पुत्र हूं जो का पुत्र है इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं जिन्हें गर्भोदक शाही विष्णु ने उत्पन्न किया इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है जहां सारी गवेशना का अंत हो जाता है मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वा वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है हरे कृष्ण हर है आप है इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है अतएव एवं प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है तब सर्वप्रथम जो सॉरी तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस चद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता भगवान कृष्ण व आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकलती है उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होती है वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है अहम सर्वस्य प्रभव मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूं अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए कृष्ण की शरण ग्रहण करने करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि है अंत है, है। या इसका आधार कहां है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरी बोल आप क्या सुंदर अनुवाद ना क्या भगवान कितना सुंदर बता रहे हैं। तो देखिये ये ना वास्तव में भौतिक जगत मतलब गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अब समझो कोई चीज अगर गोलमाल है भाई सब गोलमाल है तो क्या फायदा कुछ लाभ है क्या उसमें दिमाग लगा के तो भौतिक जगत से जितना जल्दी हम विरक्ति मतलब डिटेचमेंट हाँ भौतिक जगत से जितना हम अपने आप को डिस्टेंस कर दें जितनी शीघ्र उतना ही बढ़िया है तो कई बार हमने बात करी ना कि वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ डाइंग बिफोर वी डाइ मरने से पहले शरीर छोड़ने से पहले हमें मरना सीख लेना क्या मतलब हुआ इसका शायद एक दो बार चर्चा करी होगी ना शरीर छोड़ने से पहले हमें मरना सीख लेना चाहिए या शरीर छोड़ने से पहले सीखना नहीं हमें मर जाना चाहिए शरीर छोड़ने से पहले

कोई मेरे परेशानी नहीं है मृत्यु का समय जब भी आए जब भी बुला हुआ तो वो जो मृत्यु के समय से पहले जो मरने की बात है वो ये कि मटेरियल डिजायर से मैं हो गया पूर्ण रूप से खत्म मर चुका हूँ मटेरियली डेड मतलब ना कोई भौतिक इच्छा रही ना कोई भौतिक कामना रही ना कोई भौतिक अटैचमेंट आ सकती रही कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बर्न टू एशेज है ना सब कुछ लेट गो इजीली संसार मतलब क्या शीशे के समान कांच का टुकड़ा सपना है ना कांच का शीशे के मकान अब शीशे का मकान तो कितना शेक करेंगे भाई टूटेंगे खूब तो संसार तो मतलब गिनने को लिए है स... देखिए एक बार बात करें क्या स्वप्न मतलब क्या स्वप्न मतलब शॉर्टलिफ्ट है ना सपना मतलब क्षणिक अच्छा बुरा जो भी हो लेकिन क्षणिक अभी सपना कभी समझे अमूमन रूप से अगर कोई व्यक्ति सात घंटा नींद लेता है तो सात घंटे का सपना थोड़ी ना होता है सपना कितनी ज्यादा होता है सात मिनट किसी को दस मिनट पांच मिनट दो मिनट है ना कोई एक घंटे का सपना थोड़ी ना होता है सोया सात घंटा तो सपना मतलब शनि की शनिक अब भौतिक जगत मतलब क्षणिक की तो ये सपना हम सपना जी रहे लाइक अ ड्रीम क्षण टेम्पररी शॉर्ट लिव हम्म और आध्यात्मिक जगत मतलब ऐसा एक सपना जो कभी भी खत्म नहीं होता है। ऐसा सपना ऑन गोइंग ऑन गोइंग तो वो आध्यात्मिक जगत है और वो ही कंटिन्यू अगर कोई सपना कंटिन्यूस है ना एकदम विदाउट ब्रेकेज तो वो सुखी सपना है समझ लो सुखी सपना है वो क्योंकि वो ऐसा सपना है जिसमें सुखी सुख है सुखी सुख है ब्रेक नहीं हो रहा तो आई एम नॉट कमिंग आउट ऑफ इट इट इज नॉट शॉकिंग मे इट इज नॉट डिस्टर्बिंग मे तो भौतिक जगत मतलब टेम्पररी ता, सपना और आध्यात्मिक जगत ऐसा सपना जो सदा के लिए है। कहने से सपना का आशा कि वो सत जो सदा के लिए सप, सपना है वो सत्य है फिर वो सत्य है तो यहाँ तो भौतिक जगत में सत्य के साथ इसका कोई वो ही नहीं है संपर्क ही नहीं है तो भगवान यहां समझा रहे हैं वास्तव में कि कैसे अब विरक्ति विरक्ति मतलब डिटेचमेंट तो यही बात है फिर से कि गोलमाल है सब गोलमाल है संसार में कुछ सार नहीं निकला जा सकता कुछ नहीं समझाया पाया जा सकता और प्रयास भी नहीं करना चाहिए हम्म कोई भी हमें कुछ विशेष कुछ भी खास कुछ भी एफर्ट लाइक प्रयास नहीं करना चाहिए यूजलेस ही है वास्तव में तो कीप काम एंड कैरी ऑन है ना सब ऐसा ही कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के वसीबूत हमें सुख दुख मिल रहा है ड्यूटी न्यूजफुल तो संसार मतलब ड्यूटी अपनी निभा लो बढ़िया से और प्रेम भगवान से रखो लेकिन हम क्या करते हैं देखो हम ऐसा करते हैं ना लोग संसार में क्या भगवान से हम ड्यूटी का संबंध रखते हैं और संसार से प्रेम का है संसार मतलब क्या ड्यूटी मैक्सिमम ड्यूटी के लेवल पे एंड लव कृष्णा बट व्हाट डू वी डू हम ऐसे ही करते हैं ना भगवान के साथ या तो हम भय का संबंध है डर के मारे हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं फिर कुछ कामनावश इच्छावश भगवान की पूजा आराधना करते हैं या उससे ऊंचा बढ़ गए तो कर्तव्यवश uh? प्रेम कितना करते हैं न्यूनतम न्यूनतम मिनिमम ठीक है कि नहीं संसार से पूर्ण रूप से हम प्रेम करते हैं खूब से खूब प्रेम करते हैं हम संसार से लेकिन इसको उल्टा करना है संसार से तो बस है जितना हमारा दूर का ही संबंध रहे और ये जीते जीते ही करना है भाई ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद या अगले जन्म में अगले जन्म में कुछ नहीं होता यहीं से करना है अभी से ही करना है अगले जन्म तो सपने वाली बात ही है बस प्रोकास्टिनेशन में कुछ नहीं रखा अभी विरक्ति से काट लेना इसको तो ये ऐसी संसार ग्रंथी ग्रंथी ना ऐसी ग्रंथी है ये ऐसी गाढ़ क्या बोलते हैं समझो कई रस्सियों को नॉट क्या बोले गांठ हाँ गांठ है ना कई रस्सियों को गांठ बांध दो ऐसी ग्रंथि ऐसा गांठ बंधा हुआ है कि इसको सुलझाया नहीं जा सकता इसका कोई और छोड़ नहीं पा सकते इसीलिए देखो कुछ कुछ पास लाइफ रिग्रेशन कर लिया ठीक है थोड़ा समाधान हो गया पूर्ण समाधान कहीं थोड़ी ना भाई ये इच्छाएं कहाँ से है पिछड़ में क्या कर्म किए थे किस जन्म अरे भाई हम काल से हैं कहाँ कहाँ क्या क्या, -क्या हिसाब लगा लेंगे पागल हो जाएंगे हम नहीं कर सकते तो ये ऐसी ग्रंथी है इसका एक ही उपाय है काटना सुलझेगी नहीं ये खुलेगी नहीं कितना ही पास रिग्रेशन करने, कितना ही पीछे चले जाएं, थोड़ा टाइम प्लेस समाधान हो जाएगा किसी को डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं लेकिन पूर्ण समाधान चाहिए तो भागवतम का आश्रय लेना ही होगा भागवत गीता हरिनाम का आश्रय लेना ही होगा तो बताते हैं ना कि भक्त लोग एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं एक गांव में बाराती लोग जा रहे होते हैं बारात के लिए है दूसरे गांव है अब बाराती लोग एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं नदी पार करके नौका में लेके है अब नदी में और कहा वहां जाएंगे क्या बोलते हैं दुल्हन को लेके आएंगे अपने गांव में ठीक है चलेंगे नौका पार करके शादी हो रही सब कुछ अब फिर दुल्हन को लेके आ रहे हैं नदी में नौका में बैठा के सारे गांव वाले अब वापस आते समय क्या खूब मजे कर लिए अब वापस आते समय क्या हो रहा है शाम का समय चलो दुल्हन को बिठा दिया नौके में दूल्हा बाबू भी बैठा है बाकी घर वाले सब है गिफ्ट और सब पशु और भी लेके गए थे वो पशु और भी सब बैठे अब जो बोट ड्राइवर है अब वो बोट ड्राइवर खूब जोर से चला भी रहा है नाव को हाँ भाई पता है पहले भी आए थे ऐसे ही जा रहे हैं खूब जोर से चला आ रहा है लेकिन चलाते चलाते आधी रात बीत गई अब सुबह का समय आ गया अब सुबह का समय आ गया देख रहे हैं भाई कहाँ पे हम तो उसी छोर पे हैं उसी छोर पे उसी गांव में कहीं पे आगे भी नहीं बढ़े सुना होगा ना ये कहानी पहले तो बताओ ऐसा क्यों पूरी रात भर नाव चलाया है इतनी मेहनत किया पसीना भी निकला है सब बैठे भी है नाव में मौसम भी अनुकूल ही है लेकिन फिर भी एक कदम भी ऐसे आगे नहीं बढ़े के क्या रह गए क्यों नाव तो किनारे से बंधा हुआ है आ, नाव का खूंटा नहीं खोला नाव एंकर बोलते ना खूंटा वो खूंटा नाव खूंटे से बंधा हुआ है वो रस्सी खूंटे में उस छोर पे बंधी हुई है अब खूंटा अगर बंधा है सोचो और फिर हम लगाए जा रहे हैं जोर पूरा पूरा परिश्रम सब कुछ सेट है खोलने को बोल सकते हैं ना भाई दुल्हन भी तैयार है दूल्हा बाबू भी बैठ गए घर वाले भी सब आ गए गिफ्ट्स भी आ गए सब कुछ आ गए हमने बढ़िया से काम भी कर लिया सब कुछ देख लिया फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आगे भाई खेवैया जी हम क्यों नहीं पहुंचे अपने गाँव पूरी रात इतना परिश्रम किया अरे बाबू साहब कैसे पहुंचोगे खूंटा तो अपने बांध के रखा है नाव को तो बांध ही के रखा है ना खूंटा तो खोला ही नहीं नाव को रस्सी से बांध रखा है एकदम इसी छोर में तो कैसे बढ़ेगी आगे बात तो इसीलिए अगर हम भौतिक लाइफ में अटैच होके रहेंगे वी कैन नेवर बी कृष्णा कॉन्शियस और फिर सारी कंफ्यूजन आएगी फिर सारा केयर्स आएगा आएगा कि नहीं बताओ देखो इमेजिन करो ना नाव में बैठे हैं लोग भाई बोले भाई हमने तो बहू भी ले आए है ना वी डिड ऑल द एवरी थिंग फाइन शादी भी बढ़िया से कर रही सब कुछ फिर भी क्यों मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ सो so, ये देखो आई एम अ गुड टेक्स पेयर मैं कोई बेमानी भी नहीं कर रहा पत्नी को भी अच्छे से रखता हूँ बच्चे को भी अच्छे से रखता हूँ सभी कुछ कर रहा हूँ फिर भी मैं कैसे सुखी क्यों नहीं हो पा रहा हूँ या भक्ति भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ भक्ति करते हुए अरे भाई कैसे बढ़ोगे बाबू ये खूंटा अगर बंधा हुआ है तो मटेरियल अटैचमेंट्स लेके भक्ति नहीं करी जा सकती मटेरियल अटैचमेंट्स के साथ भक्ति कर रहे और उस मटेरियल अटैचमेंट्स के साथ कुछ भी करेंगे क्या पैदा होगा भगवान से प्रेम नहीं भय पैदा होगा मटेरियल अटैचमेंट्स लीड्स टू फ़ियर पूरा का पूरा फ़ियर क्यों मटेरियल अटैचमेंट्स क्या मैं इसको अपना समझता हूँ अपना मानता हूँ ओन कर रखा है इसके बिना मैं पूरी नहीं हूँ तो ये सारा लेके बैठेंगे तो भय ही उत्पन्न होगा संसार तो है चेंजेबल है अब हो गए हम कहीं एक जगह पे और वो चीज़ तो रहेगी नहीं परिवर्तनशील है तो फिर भय होगा ही उसको बचाए कैसे कैसे बचाऊं या इसके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा क्या होगा मेरा तो इसीलिए ये विरक्ति के अस्त्र से इसको काटना ही होगा भौतिक जो हमारी आसक्ति है उसको काटना ही है यही समाधान है अन्यथा कोई समाधान नहीं है हम एकदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे आध्यात्मिक जीवन और बेसिक जीवन में भी कुछ भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम डिटेचमेंट नहीं सीख पाए हरे कृष्ण हाँ जी बोलिए हाँ तो आप बोल रहे थे मृत्यु से पहले मृत्यु तो उसका अर्थ यही है क्या कि सारे जो भौतिक संबंध है उनसे विरक्ति बनाए रखना हाँ वो मृत्यु से पहले मृत्यु मतलब मेटीरियल एडजस्टमेंट से हम पार हो जाए जितने जल्दी मेटीरियल थॉट प्रोसेस मेटीरियल डिजायर उनसे पार हो जाए है ना वो इच्छा ही नहीं रहे अब इसका कहने का आशा ऐसा नहीं है कि प्रभु जी फिर अभी जॉब रिजाइन कर दूं क्या है और क्या माँ बाप को भी घर से छोड़ दूं क्या माँ बाप के साथ संबंध नहीं रखूं क्या बन सकता है ना स्वभाव क्या पति पत्नी के साथ संबंध नहीं रखू फिर पत्नी के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं रखू नहीं, हा? के, नहीं के, do the needful. अब ये भी नहीं है पति पत्नी आपस में इतने ही पच जाए कि संसार की सुध बुद्ध नहीं रहे वैसा भी नहीं डू द नीडफुल ठीक है उतना ही बस नीडफुल रखते हुए और सारे संबंधों को भगवान से जोड़े रूपा गोस्वामी जी की यही शिक्षा है ना निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य उचित सब कुछ भगवान के संबंध से तो पत्नी भी क्या है भगवान के लिए या उस हिसाब से बच्चे भी कौन है भगवान के हैं तो सभी कुछ को वो देखते हुए भगवत संबंध से हम जोड़े कनेक्ट करें धर्म तो यही ना भगवान से जोड़ना है योग तो यही है ना? अभी कुंती महारानी भी कुछ उनकी स्तुति में भी कुछ ऐसा ही हम देख पाते ना कुंती महारानी जब भगवान जा रहे होते हैं तो कहते हैं ना केशव तुम तो छोड़ के जा रहे हो हमें हाँ ये क्या बात और केशव ये ये आसक्ति कैसी है भाई ऐसी काटो हा? भगवान और कुंती जी का संवाद होता ना तो भाई तुमसे भी आसक्ति तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है ना कि मेरे को इन आसक्तियों से बंधनों से छुटाओ काटो ये सब पास तो भगवान कहते हैं कि भाई आप क्या मेरे से भी आसक्ति छुटाना चाहते हो बुआ जी मेरे से भी संबंध नहीं रखना चाहते और क्या अपने बच्चों से किसी से नहीं बोले नहीं मेरे को ये, ये आसक्ति ये पास हटाओ कि भाई तू मेरा भांजा ब्लड ब्लड रिलेशन वो मटेरियल रिलेशंस वो वो हटाओ कि ये मेरे बेटे हैं, आ? वसुदेव जी मेरा भाई है ये नहीं तुम्हारे संबंध से मैं देख सकू सबको वो दृष्टि दो वो सदबुद्धि दो वो विवेक दो तो डाइंग बिफोर डाइंग का कहने का ऐसा यही है कि सारे डिजायर्स को हम कृष्णाफाई कर दें है ना कृष्णाइज कर दें, अटैचमेंट्स को कृष्णाइज करें भगवत संबंधी बनाए भौतिक इच्छाएं और नहीं रहे भौतिक आसक्ति नहीं रहे सोचो ऐसा हमारा हो जाए तो तो जीवन मुक्त ही उचित है ना इस जगत में रहते हुए भी हम मुक्ति हैं फिर है कि नहीं फिर क्या बंधन है फिर जब मृत्यु का बुलावा आएगा तो क्या दिक्कत है भाई वो तो एक चेंज ऑफ ड्रेस है हम ऑलरेडी मर चुके हैं देखो जो व्यक्ति ऑलरेडी मरा हुआ उसका यमराज क्या कर सकता कुछ कर सकता कुछ नहीं कर सकते मरना का इस भौतिक भाव से मर जाना है ओल्ड सेल्फ चेंज ऑफ हार्ट बोलते हैं ना

बड़े सुंदर कॉमेडी क्या बोला उसने कि देखो मृत्यु से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आई देयर ठीक है मृत्यु से कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी भी आओ कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ जब भी, भी आना तुम तुम्हारे मन के हिसाब से जब भी आना आ जाओ बस इतना हो कि भाई तुम जब आओ मैं वहां पे नहीं रहूँ तो देखो ये तो एक कोई ऐसा व्यक्ति कर्मी व्यक्ति है जिसका कोई भगवत राग अनुराग भगवत बुद्धि भगवत श्रद्धा नहीं है लेकिन सोचें अगर हम थोड़ा सा थोड़ा सा भी मनन करें तो भाव बढ़िया है ना कि मृत्यु आप आ जाओ कोई खरा भी नहीं लेकिन बस मैं नहीं रहू उस समय मैं वहां पे नहीं हूँ तो कैसे हम भाई भौतिकली अटैच प्रेजेंट नहीं हो वहां पे तो मृत्यु को क्या मृत्यु केवल शरीर तक एक्सेस करेगी इतना ही करके देना में कि भाई तुम्हें शरीर चाहिए ना ये लो पर है शरीर ले जाओ चेतना को बचाए रखना है चेतना को इसलिए कृष्णा भावना मृत अंतरराष्ट्रीय संघ कृष्णा भावना मृत भगवान की चेतना के लिए तो अपनी चेतना में हम भगवान का कितना वृद्धि कितनी भगवान की महिमा कितनी कृपा और कितनी केम, प्रेम में वृद्धि कर सके खूब से खूब करें ये देखो संसार किसी को समझ में नहीं आया कोई नहीं समझ सकता इस संसार को भगवान को सब समझ सकते हैं अगर अगर प्रयास करें अगर इच्छा करें इच्छा बोलिए आप बोल रहे थे कि सारे जो भी संबंध है उसको भगवान भौतिक संबंध जो भी है उनको भगवान के साथ किस प्रकार से संबंधित है उस हिसाब से देखना है तो इसका अर्थ क्या मतलब इसको ऐसे लेना चाहिए कि सभी को भगवान के अंश के रूप में देखना है या ऐसा है कि बाकी सारे संबंधों को तो हम सोच सकते हैं हाँ हम सब भगवान के बच्चे हैं पर हमारे माता पिता जो है उनको किस प्रकार से हम अगर ऐसी भावना हमारी है कि सबको भगवान के बच्चे हम मान रहे हैं तो हमारे जो माता पिता है उनके लिए वो भाव नहीं आएगा तो किस प्रकार से इसको हमें आगे बढ़ाना है। ये सोचना है कि सब भगवान के अंश हैं सभी जीवात्मा है भगवान के अंश हैं कि इसका कुछ और एक्सप्लेनेशन हो सकता है सभी देखिए एक सोचने वाली बात भी ना ये भी गजब का है सोचना मतलब क्या थोड़ा एफर्ट की बात हो जाती है ना I have to think myself like that, ना? I have to force myself, I बार बार स्मरण में और खैर अभी तो हम बच्चे ही हैं भक्ति में बच्चे ही हैं तो ठीक है सोचना मतलब ये वास्तविक हमारी चेतना बन जाए नेचुरल डिस्पोजिशन कि भगवान अंशी और हम अंश सभी सभी अब ये भगवान के हम बच्चे हैं ठीक है फिलोसॉफिकली ठीक है फिलोसॉफिकली तो ना राधा कृष्णा माँ पिता के समान इत्यादि और हम उनके बच्चे हैं फिलोसॉफिकली ओके लेकिन कृष्ण को हम वैसे भजते नहीं है ना पिता समझ के थोड़ी ना बचते हैं हमारा कोई वैसा संबंध नहीं है भगवान के साथ या हम नहीं चाहते खास करके हमारी गौड़िया वैष्णव परंपरा में है ना कृष्ण तो यूथफुल है डिवाइन कपल है दोनों के दोनों एकदम यंग यूथफुल तो उस संबंध से देखो सबसे पहले तो दूसरों को देखने से पहले अपने आप संबंध हम सही करें भगवान के साथ कि मैं भगवान की प्रेयसी हूं क्या हूं प्रेयसी हूं प्रेयसी मतलब डियर डियर हूं नहीं? भगवान की पसंदीता हूँ भगवान की सुंदरी सेविका हूँ मैं तो अपना अगर हम जितना संबंध पुष्ट करें ना कि मैं कौन हूँ सर्वेंट ऑफ अ डायरेक्ट इन रिलेशन टू कृष्णा आई एम इन सब सर्वियंट लाइन टू कृष्णा है मेरा कोई भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है सीधा संबंध नहीं है लेकिन जिनका सीधा संबंध है हम उनके आनुगत्य में आके हमारा संबंध है बट फिर भी स्वरूप से हम सुंदर है हा? हमारा चिन्ह में स्वरूप है चिन्ह में देह चिन्ह में मतलब सुंदरी, तो सुंदरी प्रेयसी हूं मैं कृष्ण की और बाकी भी सभी वही हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप को हम आए फिर बाकियों को भी वही है अब दो चीजें होती है एक तो व्यवहार है व्यवहार और एक शिक्षा तो शिक्षा ये अपने आप को हम इनकल्क्युकेट करें और इस शिक्षा में हम नेचुरल स्वभाव में आए ऐसा हमारे ये नेचुरल स्वभाव बने और व्यवहार में अभी व्यवहार में पति पत्नी का जो व्यवहार है वो तो पति पत्नी के हिसाब वाला ही रहेगा ना माँ बेटा का जो व्यवहार है वो ऐसा ही रहेगा थोड़ी ना ऐसे बात है कि भाई अभी माँ भी डिवोटी है बेटे भी डिवोटी है तो क्या फिर माँ का वो केयर कंसर्न नहीं रहेगा क्या हो गए अभी समझो घर परिवार में कोई चल भी जाए अब कितना ही डिवोटी हो क्या रोए नहीं क्या नहीं शोक तो करना ही चाहिए होगा भी स्वाभाविक भी है भगवान ने भी विलाप किया था ना युधिष्ठिर महाराज और के साथ लेकिन वो व्यवहार के व्यवहार में तो हाँ भी माँ बाप है पूजनीय सराहनीय वैसा संबंध रहे लेकिन अंतरूनी भाव से सबसे पहले हम अपने को ठीक करें कि हम कौन है हम प्रेयसी हैं भगवान के और उसी तरह से माँ बाप भी सब का न भगवान के अंशी हैं है स्वरूप तो सभी सेवक ही हैं कृष्ण के अब कोई विष्णु रूप से नारायण रूप से किसी की सेवा करता तो वो अलग भाव आ जाता है सेवा का है ना राम नरसिंह वामन वरा इत्यादि जो कि ईष्टे वो और वो उस हिसाब से सेवा करें तो भाव थोड़ा अलग आ जाता है अब राधा कृष्ण की सेवा उसमें तो थोड़ी ना माता पिता तुल्य थोड़ी ना समझते हम राधा कृष्णा को नहीं राधा कृष्ण माता पिता तुल्य है ही नहीं और ना ही हम राधा कृष्णा के उस समान से बच्चे हैं लेकिन हाँ क्योंकि राधा कृष्ण स्रोत है तो हाँ भाई परम पिता परम माता भगवान गीता में बोलते ना पिता हम से जगत हो माता दाता पिता महा तो हाँ उस दृष्टिकोण से ठीक है भगवान अहम बीज प्रद पिता कुछ ही दिन पहले पढ़ा ना हमने तो ठीक है उस दृष्टिकोण से लेकिन जो हमारा भगवान के साथ संबंध है स्वभाव है वो ऑल टूगेदर डिफरेंट है और उस उस स्वभाव को पुष्ट करना है उस भाव को पुष्ट करना है तो फिर हमारे पूरा संसार की चित्रवृत्ति अलग हो जाएगी सभी को कृष्णमय रूप में देखना है कि सभी भगवान के प्रिय सी हैं तो किसी के साथ छल कपट नहीं रहेगा बैंड नहीं रहेगा हाँ? टॉलरेंस आएगा हाँ? रेस्पेक्ट बना रहेगा हेट्रेड नहीं रहेगा और माँ बाप के साथ व्यवहार के जीवन में भाई बहन का जैसा व्यवहार है ना वो रहेगा अंदरूनी भाव अपना पुष्ट करते हम चले हाँ? Does that somewhat answer your question, Rajeshri? Yes, professor. ठीक है।, है तो आज यही विराम देते हैं मूल रूप से यही है कि जब तक अगर हम वो खूंटे को नहीं काटेंगे आगे नहीं बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते कितना ही भक्ति में कितना ही हम जपे करें ठीक है शुद्धिकरण आएगा खूब आएगा लेकिन उस खूंटे को काटना है और उस खूंटे को काटने की शक्ति कहाँ से मिलेगी साधु संघ से साधु संघ ही भक्ति का प्राण है साधु संगी प्राण है भगवान वहीं पे है जहाँ साधु संघ है तभी वो शक्ति मिलेगी और नाम जब करेंगे फिर उस खूंटे को काटना तो मेहनत करनी है भगवान को समझने के लिए संसार को समझने के लिए हरे कृष्णा